देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 31वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में योग करते नजर आएंगे। महोत्सव का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। तो 7 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलेगा। तो महोत्सव में देश विदेश के योग से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो इस आयोजन का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन देहरादून में, इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है और 7 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है वो जारी रहेगा, जिसमें देश विदेश से योग से जुड़े जो लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन में शामिल होंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको दे रहे, 31वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आयोजन का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो 7 दिनों तक चलेगा अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो देश विदेश से जो लोग हैं वो इस महोत्सव में हिस्सा बनेंगे। संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 31वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। देखिए, उत्तराखंड में गंगा साइड पर जो है ये योग महोत्सव होना, एक हफ्ते तक चलने वाले योग महोत्सव में योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उस समय उनके साथ मौजूद होंगे। योगी आदित्यनाथ लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जो है इस महोत्सव में हिस्सेदारी रखेंगे और देश विदेश से जो है तमाम लोग जो है इस योग महोत्सव में आ रहे हैं, क्योंकि हर बार जो है ये योग महोत्सव गंगा साइड पर बनाया जाता है तो लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है कि योग महोत्सव मनाने लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारी है? और जैसे कि आप बता रहे कि 11:30 बजे सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो आयोजन का उद्घाटन करेंगे, फिलहाल क्या कुछ आयोजन स्थल पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हलचल? देखिए, क्योंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम पिछले जो है 15 दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जैसे ही जो है योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही जो है देश विदेश से जो है यहां पर तमाम योग करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों के आने की संभावना है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की कोई किसी को समस्या ना हो, ट्रैफिक प्लान भी चेंज किए गए, तो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारियां गढ़वाल मंडल विकास निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।